अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलें आज जाते हैं बहरीन की हेद की बहुत मशहूर मरूफ चाय पीने के लिए, जिसे तंदूरी चाय भी कहा जाता है और मटका चाय भी कहा जाता है। आए आज आपको दिखाते हैं कि वो बनती कैसे है, और उसके बाद उधर के गोलगप्पे खाते हैं, वहाँ के गोलगप्पे भी बहुत मशहूर हैं। तो आए आपको दिखाते हैं ज़रा। तो गाइज अभी हम आ गए हैं इधर तंदूरी चाय वाली जगह पे, बट एक प्रैंक हो गया कि मैं इधर आया तो इन्होंने बोला कि मैं पहले तो काफ़ी देर शॉप ढूंढता रहा, क्योंकि पहले इस शॉप का नाम था सिक्स बाइट, बाइट के नाम से ये शॉप थी। तो मैं काफ़ी देर शॉप ढूंढता रहा, उसके बाद जब शॉप पे एक बंदे से पूछा तो उन्होंने शॉप का बताया। तो उधर जब गया तो यहाँ पर इन्होंने तंदूरी चाय वाला सेटअप ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब मैंने पता किया तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ गए थे, तो उस वजह से स्पेस काफ़ी कम हो गई थी इनके पास। तो इंशाल्लाह वो बोल रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द हम लोग नया सेटअप बनाएंगे, रमज़ान के बाद फ़ौरन ये लोग नया सेटअप शुरू करेंगे, नई शॉप ओपन करेंगे। तो इसके साथ ही तो फ़िलहाल ये लोग जूसेस वगैरह दे रहे हैं और बर्गर्स वगैरह, जिसका लिंक मैं नीचे दूँगा। इनके बर्गर भी मैंने चेक किया, ट्राई किया, काफ़ी अच्छा है। और जूसेस मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट वन सेकेंड, इन जूसेस की वीडियो मैं डाल दूंगा। अभी मैंने चेक किया, ये देखें, एक बहुत बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स के साथ ये बनाते हैं, फ्रेश दूध के साथ ये बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा है इनका जूस वगैरह होता है, और जूसेस में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। हेलो गाइस, तो ब्लेंडो परफेक्ट ब्लेंड ये शॉप है, यहाँ पर आपको कड़क चाय बेस्ट मिलेगी, और उसके बाद जूसेस भी यहाँ के सबसे बेस्ट हैं। मैं जूसेस की वीडियोस भी डालूंगा, आप चेक कीजिएगा क्या क्या इनके पास है, और ज़रूर आइएगा यहाँ पर, हेड में इनकी शॉप है। चलें अभी हम जाते हैं हिद के गोलगप्पे खाने के लिए, हिद के जो बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो वो गोलगप्पे खाने के लिए। तो लेट्स सी वो कैसे बनते हैं, अब देखते हैं कि वो भी शॉप ओपन है कि नहीं। तो गाइज़ ये इकरा स्वीट्स है, इकरा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। इनके पास फ्रेश मिठाई होती है, फ्रेश स्वीट होती है, पाकिस्तानी स्वीट, और गोलगप्पे भी इनके पास हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके पास क्या क्या चीज़ें, दही भले, गोलगप्पे, लड्डू, जलेबी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। उसके अलावा ये गोभी पराठा, मूली पराठा, पाया पालक पराठा, ये इनका मेन्यू भी यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी शॉप है और काफ़ी फ्रेश इनके पास चीज़ें होती है। ये भी यहाँ पर आपको चने, पाए, पराठे, हर एक चीज़ मिलेगी, और फ्रेश आपको मिठाई मिलेगी, फ्रेश स्वीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर यहाँ पे आइएगा, और
बाद में फिर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये शॉप। ये हिद में है, अपोजिट टू लुलु, लुलु हाइपर मार्केट है उसके अपोजिट है, तो ज़रूर आइएगा। गाइस, तो यार आज प्रैंक हो गया हम लोगों के साथ। गए तो थे हम लोग चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान पीता है, हर कंट्री में पी जाती है, और रमज़ान हो, रमज़ान में पूरा दिन इंसान रोज़ा रखे और उसके बाद अफ्तारी के बाद अगर चाय ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता। तो चाय पीने गए थे बट चाय मिली नहीं, बट उनके पास शेक्स काफ़ी अच्छे थे, बर्गर्स काफ़ी अच्छे थे। मैंने ट्राई किया शेक भी और बर्गर भी, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेक की वीडियो शेयर कर दूं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए गोलगप्पे खाने के लिए। यार गोलगप्पे का हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। मैंने तो मनामा में भी ट्राई किया और हिद में भी ट्राई किया, बट मुझे जो ज़्यादा पसंद आया वो हिद के एकरा स्वीट के गोलगप्पे ज़्यादा पसंद आए। अब आई डोंट नो आप लोगों को हिद के पसंद आते हैं या मनामा के पसंद आते हैं, हर इंसान का क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है, बट मुझे इकरा स्वीट के गोलगप्पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्लेंडो का शेक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इकरा स्वीट के गोलगप्पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, अभी के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।